वेलकम टू मूड विद फूड बाय प्रियंका। लंच आइडियाज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहा एक चटनी के साथ। चलिए बनाना शुरू करें। पहले तेल आप गरम करें, एक कढ़ाई में आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डालें, उसमें थोड़ा सा राई डालें, थोड़ा सा राई और साथ में हरी मिर्च स्प्लिट किए हुए। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बच्चों के लिए बनाएं तो अवॉइड करें। कड़ी पत्ता ज़रूर डालें, वो मस्त है। इसके बाद कटी हुई सब्जियाँ डाल के, आप कटी हुई सब्जियों में यहाँ मैं कैप्सिकम को लास्ट में डालूंगी उसकी क्रंचीनेस को मेंटेन रखने के लिए। इन सब्जियों को डालें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें आधा टीस्पून, आधा टीस्पून उसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर मिर्ची कम खाते हो। इसमें एक मुट्ठी भर के मूँगफली ज़रूर डालें, ये टेस्ट अच्छा आता है, क्रंची सा। थोड़ा सा इसमें आप नमक डालें, नमक अभी इसलिए डालते हैं क्योंकि स्वाद अच्छा आएगा। इसमें आप लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे ढक के हम पकाएंगे सब्जियों के पकने तक। इसके बाद हम चटनी की तैयारी करते हैं। दो टमाटर को हम स्लिट करके, बीच से स्लिट करके पका लेंगे। आप और भी बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, साथ में लहसुन और हरी मिर्च, इनको थोड़ा सा पकाएंगे। पहले हम लहसुन हरी मिर्च को निकाल लेंगे। इसके बाद टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाए, छिलका उसका ऊपर से हटने नहीं लगे। ये बहुत टेस्टी चटनी होती है और पोहे के साथ तो बहुत यम देता है टेस्ट इसका। ये हमारा टमाटर हो गया है, इसके निकाल लेंगे, इसे अब ग्राइंड करेंगे। चटनी बनाने के लिए एक जार में, मिक्सी की जार में आप ये भुने हुए टमाटर, साथ में भुनी हुई मूँगफली, हरी मिर्च, लहसुन भुना हुआ और हरी, आप धनिया पत्ता डाल लो, अच्छे से भर के धनिया पत्ता डालो, नमक डालो और चाट मसाला डाल दो। ये इन सब को डाल के हम पीस लेंगे और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस, लगभग एक छोटा स्पून लेमन जूस डाल दीजिए और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम पोहे को अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से। इसे पानी में डुबो के नहीं रखना है, हमेशा एक स्ट्रेनर में रख के पोहे को धोएं ताकि पोहा बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं हो जाए। और ये भी ध्यान रखें कि पोहा हार्ड नहीं रहे, अदरवाइज़ आपका लंच में पोहा खाने में आपके दांत परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे आप। ये हमारी सब्जियाँ अभी हम देख रहे हैं, चेक कर लें पहले कि सब्जियाँ तैयार हो गई हैं या नहीं, पक गई हैं नहीं। अब इसमें आप थोड़ा सा डाल दें, जो अगर आप कैप्सिकम पसंद करते हैं तो वो डाल दें और चेक कर लें कि आपकी सब्जियाँ तैयार हो गई हैं। 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, फिर इसमें जो पोहा हमने वॉश किया था उसमें थोड़ा नमक मिला देंगे पोहे में और इसमें पोर कर देंगे, मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं यहाँ 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ट्राई करके देखिएगा। अब इसे अच्छे से घी मिला देंगे और लास्ट में इसमें नींबू निचोड़ देंगे। नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो कम डालिए। और ये हमारा यम्मी सा पोहा तैयार, खिला खिला सा पोहा तैयार। लंच में ले जाइए या बच्चों को दीजिए, खुद के लंच में ले जाइए, हस्बैंड के लंच में दीजिए, या आप घर पे ही इंजॉय कीजिए, झटपट बनती है, मस्त लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।